जाइए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वो बाजू वाली बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल के हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स फर्स्ट जो चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स, उसके बेसिस पर जो एक्सरसाइज है वो हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन डिजिट ट्वाइस। अब क्या होता है कि आपको डिजिट दिए रहते, जैसे आपको 7, 4 और 9 दिया है, आपको बोला इसमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप इसको असेंडिंग फॉर्म में ग्रेटेस्ट बनाना है तो आप इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखोगे, तो इससे 3 डिजिट नंबर बनेंगे 974। अगर आपको मुझे पूछा कि इसको स्मॉलेस्ट नंबर बना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो आप क्या बनाओगे, इसको लोएस्ट मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग फॉर्म में लिखोगे, तो आंसर हो जाएगा 479। तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखनी होती है गिवन डिजिट से, तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, और अगर आपको पूछा है कि इससे आप लोएस्ट नंबर लिखो तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। लेकिन वही अगर 0 आता है तब कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 डिजिट दिए हैं, जैसे 7, 0, 4 और 8, और आपको पूछा है इससे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखोगे 8, 7, 4, 0, ये तो सही है। लेकिन जब आपको पूछा है कि इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, ठीक है, तब क्या करना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हमें इसको इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आप इसको ऐसा लिखोगे 0, 4, 7, 8, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, इसके पहले 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है 0 को छोड़ के पहले उसे लेना है, तो 4 लिया, और फिर 0 को लेना है, फिर 7 और फिर 8। तो हमें 0 स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय अगर गिवन डिजिट में 0 है तो उसको हमें लेफ्ट टू राइट सेकंड नंबर पे रखना है। तो ये हो गया सेकंड तरीका। अब अगर आपको डिजिट कम दिए है, ओके, जैसे आपको 3, 7 और 5 3 डिजिट दिए है और बोले कि इससे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाओ, तो आप इसको ग्रेटेस्ट बनाते समय जितने डिजिट कम है, जैसे 5 डिजिट बनाना तो इसमें 2 डिजिट कम है, तो उतनी बार ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट करना, तो हमें 7, 7, 7, ओके, 5, 3, तो हमें इसको 7 को 3 टाइम्स लिखना है। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय स्मॉलर डिजिट को उतने टाइम्स रिपीट करना है, जैसे 3 को हम रिपीट करेंगे 3 टाइम्स, ओके, तो 5 और 7, तो ये हो गई स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलो आगे देखते हैं इस एग्जांपल में। तो हमें यहाँ पे 4 डिजिट दिए है और ये 4 डिजिट से हमें 5 डिजिट नंबर बनानी है, मतलब एक डिजिट को हम रिपीट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनानी तो ग्रेटर डिजिट को रिपीट करना। अब ग्रेटर डिजिट यहाँ पे है 8, तो हम 8 को फिर रिपीट करेंगे, ओके, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 4 और 3, ये हो गई ग्रेटेस्ट नंबर। अब कॉमा पुट करो 3 डिजिट के बाद, तो 88,743 हो गए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट। अब यहाँ पे 0 आया, ओके, तो ग्रेटेस्ट बनाने तो 0 को लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पे किसको आप रिपीट करोगे, ऑब्वियसली 9 को रिपीट करोगे, तो 99740 रिपीट करके हमने सभी जो डिजिट है उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, तो कॉमा पुट करो। नेक्स्ट एग्जांपल पे आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी है और आपको यहाँ पर भी 4 डिजिट दिए है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 4 डिजिट दिए है, 5 डिजिट नंबर बनानी है, तो एक डिजिट फिर रिपीट होगा और वो रिपीट होगा स्मॉलर नंबर डिजिट, तो स्मॉलर डिजिट 1 है, तो 1 को रिपीट करो, तो 1, 1, 4, 5, 8 कॉमा पुट करो, तो 11,450। यहाँ पर देखो 0 आया है, स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, मैंने पहले बताया कि 0 को आपको लेफ्ट टू राइट में सेकंड पोजीशन पे लेना है, लेकिन अब यहाँ पे आप रिपीट किसको करोगे, तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है आप उसी को रिपीट करना, तो सबसे पहले हमने तो ले लिया 2, अब 0 को रिपीट करो, हो गए 3 डिजिट, फिर लिखेंगे 5 और फिर 8, अब कॉमा पुट करो, ये हो गई स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग ओनली द डिजिट 6 एंड 8, अब हमें सिर्फ 2 डिजिट का यूज करना है, 6 और 8 का, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितनी बार आप 6 को यूज करोगे उतने ही टाइम आपको 8 को यूज करना है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पॉसिबल नंबर, तो 6 डिजिट नंबर लिखनी है, डिजिट 2 ही दिए है, मतलब एक डिजिट 4 बार आएगा, सॉरी 5 टाइम्स आएगा एक डिजिट, ऐसा आप सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, तो 6 को जितने बार लोगे उतने ही बार 8 को लेना है, मतलब 3 टाइम्स आप 6 को लेना है, 3 टाइम्स आपको 8 को लिखना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखते समय ग्रेटर डिजिट को हम रिपीट करेंगे,
तो 8 8 8 मतलब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे और 3 टाइम्स लिखेंगे 6 6 6, ये हो गई ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो 6 6 6 8 8 8 का कॉमा पुट कर दो, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद राइट टू 8 कॉमा 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, सो दिस इज योर आंसर।